बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरलिंक्स ऑफिशियल। आज आपके सामने एक बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर एक प्रॉपर्टी लेके आए हैं। ये प्रॉपर्टी का आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। ये घर है जी, फॉर सेल प्रॉपर्टी है। ये आप देख सकते हैं, इसका सारा फ्रंट है। इसका पानी इस साइड का ठीक है, ज़मीन का। और मज़ीद आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ये मीटर इंस्टॉल्ड है। गैस का मीटर यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। ये आपको स्ट्रीट ओवरव्यू मैं इसका दिखाता चलूँ। लोकेशन ये बनती है जी, ज़फ़र कलोनी इसकी लोकेशन बन जाती है। मकान की आप कुर्सी देख सकते हैं। मकान दो मरले से 10 मरबा फुट कम है। और ये इसका जी फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये सारा टाइल्ड और विंडो है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए रूम है। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के अंदर हम घर का फ्लोर प्लान, इसके डिमांड, ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्लोज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको लेके चलते हैं घर के फर्दर एरिया की तरफ। ये आप देख सकते हैं, दाखिल होते हैं यहाँ पे टफ टाइल का इस्तेमाल है गराज के अंदर। और आपको यहाँ से गराज के अंदर मैं लेके चलता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इसका डोर का डिज़ाइन दिखाता चलूँ। ये आप इसका डोर का डिज़ाइन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। बड़ा ही खूबसूरत सा छोटा सा एक यूनिट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा टाइल का इस्तेमाल है। ये यहाँ पर भी दरवाज़े के साथ ब्लैक टाइल की, ये आप देख सकते हैं, का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बड़ी खूबसूरत एक लुक प्रनाउंस कर रहा है। गेट आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं गेट का अपनी स्क्रीन के ऊपर। मज़ीद आपको घर के अंदर लेके चलता हूँ फर्दर। घर के अंदर ये देख सकते हैं फ्लोरिंग सारी मार्बल की हुई हुई है। और ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के ऊपर भी मार्बल का इस्तेमाल है, टाइल वर्क है। और ये स्टील की वो लगी हुई है अपना ग्रिल्स। मज़ीद घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही यहाँ पे हमारे पास वॉशरूम का एक एरिया आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये वॉशरूम का एरिया। और यहाँ पे ये घर का किचन आ गया। ये आप देख सकते हैं टोटली टाइल्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे काउंटर टॉप पे मार्बल का इस्तेमाल है। ये जिसकी वॉल्स आ गई इसके साथ ही, इसके पीछे ये आप फ्लोरिंग देख सकते हैं। टोटली फ्लोरिंग आप देख सकते हैं इसकी। और मज़ीद आपको मैं रूम के अंदर लेके जाता हूँ। फर्स्ट बेडरूम है ये यहाँ का। ये आप इसकी सादा सीलिंग देख सकते हैं, सादा सीलिंग और पीछे वॉल्स आ गई। यार फॉर सेल प्रॉपर्टी है, जो बंदा इसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी लेना चाहता है, अकॉर्ड कर सकता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप इसकी वॉल्स देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत इसकी वॉल्स। और नीचे यार देख लें, फ्लोरिंग भी और साथ ही दीवार के मार्बल का भी इस्तेमाल है। और मज़ीद आपको मैं लेके चलता हूँ घर के फर्दर एरिया की तरफ। घर के फर्दर एरिया की तरफ लेके जाने की तरफ पहले मैं आपको ये दिखा दूँ इसका गराज का एरिया। ये इसका गराज का एरिया, ये आप इसकी सीलिंग भी देख सकते हैं। ये एक चीज़ का गराज का एरिया आ गया। यहाँ से आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ इसके लेके चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर का विज़िट कंप्लीट होता है। फ्लोर प्लान ये था कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बेडरूम और गराज और साथ ही इसके किचन की एक्सेस और एक वॉशरूम की एक्सेस थी। स्टेयर से हम ऊपर आते हैं, हमें यहाँ पे दो बेडरूम की अकोमोडेशन मिल जाती है और एक छोटी सी ओपन स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं बेसन इंस्टॉल्ड है। और आते ही ये ऊपर ये सादा बेडरूम का सीलिंग है, ओपन स्पेस रूम है। ये आप इसका देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी वॉल्स। ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी एग्जॉस्ट है और ये भी वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी हुई है। वॉल्स आप देख सकते हैं, नीचे फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, इसकी मार्बल की फ्लोरिंग है। और ये आप देख सकते हैं डोर के पीछे भी स्पेस थी। और इसका मज़ीद आप डोर डिज़ाइन देख लें। फर्स्ट बेडरूम है ऊपर का, फर्स्ट फ्लोर का। और ये निकलते यहाँ पर हमें एक स्टोर की अवेलेबिलिटी आ जाती है। यहाँ पर स्टोर की ओपन स्पेस है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लें बेसन। फ्लोर प्लान आपको एक और दफ़ा समझा दूँ मैं। ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर से हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक बेडरूम की स्पेस आ जाती है।
और ये ओपन स्पेस एक डिज़ाइन की गई है, और ये सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का, और मज़ीद ये आपको मैंने दिखा दिया स्टोर का एरिया, ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे, और मज़ीद आपको मैं इसके बेडरूम की तरफ लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं टोटली मार्बल का इस्तेमाल है यहाँ पे, और ये पीछे इसकी विंडोज़ हैं, और ये इसका जी कनेक्टिंग वॉशरूम, ऊपर का एक वॉशरूम नीचे, एक वॉशरूम इसका ऊपर है, और ये स्पेस है यहाँ पे भी, ये आप देख लें। आप यहाँ पे वॉल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसी के साथ इस घर का विज़िट कंप्लीट होता है। ये स्टेयर्स हैं ऊपर माउंटी को एक्सेस दे रही हैं, ये आप देख लें। ये लेंटर है टोटली घर के अंदर। इसी के साथ इस घर का विज़िट कंप्लीट होता है। जो भी बंदा इसे बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होता है वो हमारी सेल नंबर्स पे हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है हमारी टीम के साथ, और ऑन डिमांड ये घर विज़िट करवा दिया जाएगा। इस घर की आस्किंग डिमांड 50 लाख रुपीज़ इसकी घर की आस्किंग डिमांड है, जो कि निगोशिएटेबल है इंशाल्लाह ताला। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।